कोरोना संकट में सबसे बड़ी समस्या आ रही है मजदूरों के पलायन की, एक शहर से दूसरे शहर। हर कोई अपने घर जाना चाहता है, इसलिए रायपुर जिला प्रशासन ने ये तय किया कि क्यों ना जो स्थल हैं जहां मजदूरों को ठहराया जाए उसको ही घर बना दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, इस पूरी रिपोर्ट में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि कैसे स्थल को रायपुर जिला प्रशासन ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने घर बना दिया। अब देखिए यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे हैं लोग, और ये वॉलीबॉल खेलते हुए लोग ये बिल्कुल भी एक शहर के नहीं है, एक कस्बे के नहीं है, ये तमाम लोग जो हैं अलग अलग, कोई झारखंड से है, कोई बिहार से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से है। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से है? राजस्थान से। हाँ। आप कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश। आप कहाँ से हैं? यूपी। यूपी में कहाँ से? इलाहाबाद। कब से फंसे हैं? ये 22 तारीख को सर। 22 तारीख तो यहाँ आनंद आ रहा है? फुल आनंद। तो घर नहीं जाना चाहते हैं? जाना क्यों नहीं चाहते सर, सब लोग घर जाना चाहते हैं। अब छोड़े जाए यहाँ से तो घर जाएंगे ही हम लोग। अच्छा, अब जब तक नहीं हो रहा है सब तब तक यहीं रुकेंगे हम लोग। तो यहाँ टाइम पास की पूरी व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था है। खाना पीना सब कुछ है, मनोरंजन खेल सब कुछ। तो ये देखिए, ये कुछ लोग हैं, ये तो मैंने आपको वॉलीबॉल का खेल दिखाया जहाँ ये लोग खेल रहे हैं, ये बैठे हुए हैं। अब कैसे इस पूरे स्थल को इन्होंने स्किल से जोड़ दिया है, स्किल डेवलपमेंट से, इस पूरे पंडाल के अंदर जाकर मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है जहाँ लिखा है आश्रय स्थल कोरोना राहत शिविर रायपुर, हुनर से संवारेंगे कल, कोरोना में भी बेहतर बनाएंगे कल। ये कैसे बनाएंगे वही दिखाने के लिए मैं अब आपको लेकर चलता हूं इस पंडाल के अंदर। लोग बोर ना हो, आश्रय स्थल में ही रहें, यहां से कहीं ना जाएं, उसके लिए देखिए कैसे व्यवस्था की गई है यहां पर। अब यहां पर जो लोग बैठे हैं ये भी अलग अलग राज्यों से हैं और ये चेस खेल रहे हैं। ये बताइए कहां से हैं आप? यूपी से। हा? यूपी। कब से फंसे हैं? 23 तारीख को आया था यहाँ। हाँ, 23 तारीख से। तो ये चेस वेस की व्यवस्था है सब, यहाँ टाइम पास हो रहा है? हाँ, बिल्कुल, पूरा मजा आ रहा है। अच्छा, मजा आ रहा है? हाँ, आनंद ले रहे हैं। तो आनंद ले रहे हैं, ये तो मतलब आश्रय स्थल है, यहाँ तो मजबूरी में फंसे, मजबूरी में भी आनंद आ रहा है? मतलब मजबूरी में क्या करें, कुछ किया नहीं जा सकता ना। अब जो प्रशासन ने किया, बढ़िया व्यवस्था की है, तो उसका ना कुछ नजारा ले, लुप्त ले रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, तो यूपी से हैं आप? जी, यूपी से। अब देखिए, ये आप कहाँ से हैं? मैं तो पिंडर से। हम लोग यहीं वो कर रहे हैं, इन लोगों के साथ से सेवा कर रहे हैं, इन लोग की मतलब है जो भी लॉकडाउन फंसे हुए लोगों को। अच्छा अच्छा, ये सेवा कर रहे हैं, तो ये जो फंसे हैं ये सेवा कर रहे हैं। चलिए, अलग अलग लोग हैं, देखिए जो बच्चे हैं उन बच्चों को खेलने के लिए ये उन्हें, अब यहाँ जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके खेलने के लिए ये व्यवस्था है। स्किल से कैसे जोड़ा गया है ये बता रहे हैं। अब ये देखिए कहाँ के हैं? कवर्धा से। तो कब से फंसे हैं? हमको 1 महीना हो गया लॉकडाउन तब से। तो ये क्या बना रही हैं आप लोग? फाइन बना रहे हैं। हाँ, फाइन। तो दिन भर यही करते हैं? हाँ, सीख रहे हैं। हाँ। हमारे साथ जिला पंचायत सीईओ गौरव सिंह जी हैं। ये इसके पीछे का क्या मकसद है सर, ये जो पूरा यहाँ लोगों को काम दे दिया गया है, स्किल से जोड़ दिया गया? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि जो भी व्यक्ति यहाँ रुका हुआ है वो हमारा अतिथि है, और उसको मनोवैज्ञानिक रूप से भी हमें मजबूत रखना है, इसलिए खेलने की व्यवस्था और सारी चीजें की गई हैं। साथ ही जब ये यहाँ से जाएं तो इनके हाथों में कुछ पैसा हो, इनके हाथों में कुछ हुनर हो, और उसका पैसा भी देंगे क्या? हाँ, ये जब बिकेगा, इसमें जो भी मजदूरी की कास्ट है वो इन महिलाओं को ही मिलने वाली है, तो जब ये यहाँ से जाएंगी तो इनके हाथ में कुछ पैसा भी होगा, और जब ये अपनी जगह पे जाएंगी वहाँ ये इस काम को शुरू कर सकती हैं। तो एक हुनर लेके जाएं, एक अच्छा अनुभव लेके जाएं, और आने वाले समय में एक अच्छे नागरिक के रूप में भी विकसित हो। अच्छा, ये देखिए जो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कैरम लगा दिया गया है, और फिर कैरम के पास बकायदा चेयर टेबल और पंखा कूलर बड़े बड़े लाइट इन सब की व्यवस्था की गई है, ताकि जो लोग यहाँ बैठे हैं उन्हें पूरी सुविधा मुहैया कराया जा सके, और ऐसे ही लोग खेल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये मशीन चला रहे हैं, ये क्या सिल रहे हैं, अब इनसे ही पूछते हैं, इनसे ही जानते हैं। क्या बना रहे हैं भैया? मास्क बना रहे हैं। मास्क बना लेते हो? कब से सीखे बनाना? यहाँ से ही शुरू किए हैं। हाँ, कहाँ से आए हो? झारखंड से। है? झारखंड से। कितने दिन से फंसे हो यहाँ? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। ये झारखंड से हैं। आप कहाँ से हैं? उड़ीसा। उड़ीसा से। तो आप भी फंसे हैं 20 तारीख से? हाँ। तो मास्क बना लेती हैं? हाँ।
तो इनको ये मशीन, सिलाई मशीन सब प्रशासन ने मुहैया कराई है? जी जी जी, कपड़ा और वो हमने इनको मुहैया कराया है। और चूंकि इस समय मास्क की आवश्यकता है, इवन केंद्र में खुद अब बहुत मास्क की आवश्यकता है, वो भी पूरी हो रही है। और ये जो मास्क हमारा बिकेगा उसकी भी कीमत इन्हीं को मिलने वाली है। अच्छा, इसके साथ ये देखिए, आप कहाँ से हो बेटा? उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा से। तो ये क्या क्या, ये क्या, ये क्या क्या बना दिया आप लोगों ने? ज्वेलरी मेकिंग का है सर। लोग हम लोग समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रेशमी धागे का ज्वेलरी बनाना सीख रहा है, जिसमें से उन लोगों ने कल झुमका सीखा है। ये सिखाया है आप लोगों ने? बनाया है। और ये टॉप्स है, चांद वाली। ये देखिए, यहाँ सब तरह की चीज़ बनाई जा रही है और लोग खेल रहे हैं। और फिर इधर आप देखेंगे जो लोग फंसे हैं, हर कोई जो जिस चीज़ का कारीगर है उसका इस्तेमाल पूरा किया जा रहा है। अब ये कवर्धा के लोग हैं जैसा मुझे बताया गया, और कवर्धा मतलब छत्तीसगढ़, लेकिन फंसे यहाँ हैं। कितने दिन से फंसे हो? 20 तारीख से हैं। 20 तारीख से क्या बना रहे हो ये? ये पेड़ पौधा के लिए बना रहे हैं। अच्छा, रूप रखने के लिए भाई, सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ मन लग रहा है, खाना पीना मिल रहा है टाइम से? जी मिल रहा है। तमाम मजदूर हैं, सब लोग हैं, सब ये कह रहे हैं कि इनके इनका जो पारिश्रमिक है इनका भी दिया जाएगा। ये सब जो बना रहे हैं, ये ट्री गार्ड बनाने पर जो बनाएगा उसको 100 रुपए उस मजदूर को मिलने वाला है। अगर ये मान लो 3 लोग हैं, 5 लोग हैं और मिल के ये 10 बनाते हैं, तो मानिए ये 3 मजदूर 1000 रुपए का काम कर लेंगे। और ये हमारे शासकीय विभागों में प्राइवेट उसमें भी 450 रुपए में ट्री गार्ड बहुत आराम से जाता है। तो ये 450 रुपए का बिक जाएगा, इनको 100 रुपए दिए जाएंगे। हाँ, इस हर ट्री गार्ड पर जो भी बनाएगा उसको 100 रुपए का है। तो ये एक कोशिश है छत्तीसगढ़ सरकार की कि जो लोग यहाँ आए वो यहाँ से भागे नहीं, उनका यहाँ मनोरंजन हो, उन्हें काम मिले, स्किल से उन्हें जोड़ दिया जाए। यहाँ कई राज्यों के लोग हैं, लेकिन अब ये आश्रय स्थल जो है उनके मनोरंजन का स्थल बन गया है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भले ही फंसे हैं लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें एबीपी न्यूज की तरफ से भी सलाम है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज रायपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।